हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना। परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने के क्रम को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। इसके लिए हमारे पास तीन नियम होते हैं। पहला अफपो नियम, दूसरा N+L नियम व तीसरा पाउली अपवर्जन नियम व चौथा हुंड का अधिकतम बहुलता नियम। अफबो नियम। अफबो में एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरते हुए कक्षकों का निर्माण करना, यानी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने से उनका निर्माण होता है। कक्षकों को ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरा जाता है, जिसे हम इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। इस चित्र में दर्शाए अनुसार 1s कक्षक की ऊर्जा कम होती है तो उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाता है, उसके बाद 2s में, फिर 2p, फिर 3s, 3p, 4s, 3d, इस क्रम में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। दूसरा नियम है N+L नियम। इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन कक्षकों की ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरे जाते हैं और ऊर्जा क्रम N व L के योग से ज्ञात किया जाता है। जैसे 1s के लिए n का मान 1 व l का मान 0 है तो N+L 1 हुआ। इसी प्रकार 2s के लिए n बराबर 2, l बराबर 0, N+L 2 हुआ। 2p के लिए यह 3 होगा। इस प्रकार 1s के लिए N+L का मान सबसे कम व 2p के लिए N+L का मान इन तीनों में सबसे ज्यादा है, अतः इनकी ऊर्जा का क्रम 1s से ज्यादा 2s की होगी व 2s से ज्यादा ऊर्जा 2p की होगी। पहले इलेक्ट्रॉन 1s में भरा जाएगा, फिर 2s में, फिर 2p में। यही क्रम आगे भी चलता रहेगा, जिसे इस चित्र में दर्शाया गया है। 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, इस प्रकार ऊर्जा का बढ़ता क्रम हमें ज्ञात हो जाएगा। धन्यवाद।